हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ एकदम। आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आपने कुछ नोटिस किया ही होगा यार, वैसे मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, थर्ड टेक हो गया है ये, कि कैसी लग रही है मेरी कटिंग। अब तो मेरे को भी हंसी आ रही है। तो आपका कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर ये नया लुक अच्छा लगा हो तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज मेरा फ्रेंड कुणाल आया। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे उसको, मेरी वीडियोस में काफी बार देखा है। तो आज मैं आपको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये कुणाल है भाई, कैसा है? बस बढ़िया हूँ। बढ़िया। तो ये अपना भाई कुणाल है, हम दोनों सेम सिटी से हैं इंडिया में, तो आसपास ही रहते हैं, दूर का है नहीं। बाकी दोस्तों को हाय हेलो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? आज देखो यार, अपने एक छोटा सा टॉपिक चूज किया है हम, गुरनाल से इसकी जर्नी पूछेंगे भाई, इंडिया टू यूके, इसका क्या सफर था इंडिया टू यूके में। तो लंदन के अंदर आया, मेन सिटी, मतलब काफी बड़ी सिटी रहती है, तो उसमें ना यार बहुत स्ट्रगल फेस करता है इंसान। तो आज हम कुणाल से पूछते हैं इसको क्या क्या लगा और इसने भी क्या किस बेसिस पे इसने यूके चूज किया। तो चलिए कुणाल से पूछते हैं अपना। अब शायद तो नहीं होना भाई, नर्वस तो फील नहीं कर रहे ना? चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू की, समझ जाओ ठीक है? तो चल कुणाल एक बात बता, तूने मतलब कि यार देख, लोग अपने चूज करते हैं भाई, कनाडा भी उनके पास, यूके भी है, यूएस भी है, काफी ऑप्शंस होते हैं कंट्री के। तो तूने यूके ही क्यों चूज किया? यूके में लंदन क्यों चूज किया? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जब हम इंडिया से यूके आते थे पहला क्वेश्चन यही रहता था, मैं वही पूछ रहा हूँ। पर एक एज मतलब वो इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं, दोस्त के जरिए पूछा हूँ, तूने यहाँ पे क्यों चूज किया लंदन, किस रीजन से चूज किया? तो वैसे तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि मेरे को जाना है बाहर अपनी पढ़ाई खत्म करके। तो मेरे बैचलर्स कंप्लीट हो रखे थे, वैसे ही कुछ काम धंधा तो होता नहीं, उसके बाद जॉब ही ढूंढना रहता है और तो कुछ होता नहीं। तो सब हमारे, हम वैसे ही गुजरात से, तो गुजरात में ज्यादातर ट्रेंड यही रहता है कि आपने पढ़ाई खत्म की तो बाहर चले जाओ। मेरे ज्यादातर दोस्त सब बाहर है, तो हमारे उधर कल्चर ही वैसा है कि आप पढ़ाई खत्म करके बाहर जाओ घूमने, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में देख ही रहे कि बाहर पढ़ने जाए, उधर सेटल हो जाए, तो क्या पैसा ज्यादा कमाए, हमारी फैमिली वगैरह सेटल हो जाए, हम ज्यादा ही पैसा आने लगे अपने पास। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि कौन सी कंट्री के लिए मैं अप्लाई करूँ फॉरेन स्टडीज के लिए। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा कनाडा था, मेरा यूके कोई था ही नहीं आना फिक्स। सो फिर मैंने सब रिसर्च किया वगैरह, देखा तो कनाडा में बोल रहे हैं कि भाई आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, आईएलटीएस के बैंड्स और वो सब, उसके लिए 6-7 महीने और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका हुआ नहीं हुआ उसका भी कोई फिक्स नहीं होता कि आपका हो, रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत है गाइस। और हम जब ट्राई कर रहे थे तब बहुत आ रहे थे। तो फिर उसी टाइम यूके का भी चल ही रहा था अच्छा खासा, तो फिर मैंने ट्राई किया यूके के लिए और भगवान की दया से हमारा हो गया, हम सिलेक्ट हो गए, तो हम इधर आ गए। यही था बस, जो भी था सिंपल। तो कुल मिला के मेन मोटा एक ही मोटी था, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। मेन पॉइंट ये था कि कनाडा $1 का ₹50 होता है और आसपास मान लो 105 हो रहा है, तो आप समझ लो। इसी रीजन से मैं भी यहाँ पे आया था, तो आपको एक मेरा भी पॉइंट मिल गया यहीं पे। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि कुणाल तूने यहाँ पे आया, तो तेरा मतलब कि तूने जैसे कि तेरी प्रोसेस वगैरह पूरी कंप्लीट हो गई, तेरा वीजा आ गया, तो उसके बाद जैसे कि क्या क्या मतलब करना रहता है इंसान को भाई, तू लंदन में आने वाला है, तेरा फिक्स हो गया कि तेरी कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तुमको लंदन में एंट्री करनी है, भाई रहने सहने का, खाना पीना, जॉब्स वगैरह का, उसका तूने सब कैसे अरेंज किया, क्या क्या उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? क्योंकि उस बातों को 3 साल हो गए हैं लगभग, अब आए हुए यहाँ पे 3 साल हो गए। तो गाइस देखो, पहले तो कंफर्म होने के लिए सब वेट करते हैं कि कंफर्म हो जाए, वीजा लग जाए। तो मेरा वीजा लगते के साथ मेरा तो एक रीजन ये भी था कि सब कुछ हो रखा है, तो मेरा एक दो मेरे मौसी का लड़का इधर है, सो मेरे को अकोमोडेशन का तो टेंशन नहीं था कि चलो हो जाएगा। मेरे उससे बात कर ली कि मैं इस तारीख तो आ रहा हूँ इधर, तो मेरा कर दो, तो मेरे हो गया था पीजी में मेरा रहना हो गया था, मेरा भाई ने करके दिया था, तो मेरे को वो एक सही थी। और जॉब का आप सबको पता ही है कि जॉब नहीं मिल रही है इधर, पार्ट टाइम में भी सबकी लगी हुई है, वो तो नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। तो मैंने भी 1.5-2 महीना स्ट्रगल किया है जॉब के लिए पहले पहले, तो तब जाके मेरे को मिला था स्टार्टिंग, और वो भी मैं सिर्फ 2-3 दिन जा रहा था क्योंकि मेरी 2-3 दिन यूनिवर्सिटी भी होती, तो वो भी जरूरी है गाइस। सो बस वही है, आओ स्ट्रगल करो, जॉब लगती है बट टाइम भी लगता है उसके साथ, ऐसा तो नहीं है कि आपको यूके में उतरने के साथ आपको जॉब भी मिल जाएगी, रहना भी सही से हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा, सो वो टफ है थोड़ा सा। ये शायद जनवरी इंटेक में आया था, जनवरी इंटेक में क्या रहता है यहाँ पे, मतलब कि विंटर का चलता है, मतलब यहाँ पे ना क्रिसमस टाइम चलता है ना, उस टाइम पे दिसंबर जनवरी और नवंबर में विंटर रहती है, उस टाइम पे ना बिजनेस इतना होता नहीं है, तो जॉब्स का जो मार्केट रहता है ना वो काफी लो लेवल में रहता है वहाँ पे, मार्केट उस टाइम पे नहीं रहता। तो मैं भी उसी टाइम पे आया था जनवरी, तो मुझे पता है, और ये मेरे से पहले आया था, तो फिर उस टाइम में मार्केट नहीं होता क्योंकि फिलहाल भी यही टाइम चल रहा है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, और अकोमोडेशन तो भाई पूछो ही मत, बहुत बुरी हालत है। जैसे कि आपने जॉब ढूंढ ली, तो मतलब कि आपने ये किस कौन सा कोर्स कंप्लीट किया आपने यहाँ पे?
मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कितनी इज्जत देता दे रहा हूँ उसको मैं वीडियो में आज। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। सो कृणाल, अगर तेरे को अब कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछने के लिए कि भाई तेरे पर तेरे माइंड में हो तो तू मुझसे भी पूछ सकता है। ठीक है चल, मेरा तो सही है कि मेरा तो फ्लो भी चल रहा है हमारे साथ गुजरात में वो सब के भाई चलो लड़के निकल रहे हैं बाहर तो तू भी निकल रहा है, पैसा का भी लालच है, चलो वो सब तो ठीक है, पर तूने क्यों लंदन ही क्यों चूज किया आने के लिए? चल मेरा तो सही है पैसे का लालची, चल वो भी लगा देख देख देख। हमारे साइड मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरे पेरेंट्स गुजरात में रहते हैं पर मैं हरियाणा में, मैं बचपन से बड़ा पला बड़ा वही हूँ, स्कूलिंग सब कुछ वही है मेरी। तो क्या सीन हुआ यार, जब हमारी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर चल रही थी ना तो उस टाइम मैंने ये लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस सब जानते होंगे, तो कोरोना वायरस में भाई हमारा जब थर्ड ईयर की जब प्लेसमेंट की स्टार्टिंग होती है ना क्लासेस वगैरह, तो जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई हमें भेज दिया घर पे कि तुम घर जाओ अब तुम्हारा ऑनलाइन चलेगा। तो भाई ऑनलाइन में क्या था, हमने भाई प्लेसमेंट में बैठे दो तीन कंपनियों में दिया, दो तीन कंपनियों में नहीं हुआ स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे कंपनियां आनी ही बंद हो गई। फिर क्या था, गुजरात में था ही, जहां देखो मम्मी बगल में बात कर रही है उसका छोरा आज उठ गयो, वो छोरो उठ गयो, फलाना की लिखड़ी उठ गई। मैं भाई हम तो मतलब कि मैंने गुजरात में एक ही चीज नोटिस की है कि भाई हर घर से ना मतलब बर्थडे सिर्फ गली में अगर पांच घर है ना तो पांच घर में से ना दस बंदे बाहर ही हैं, और हरियाणा में ऐसा कुछ होता नहीं था तो मेरे लिए ये चीजें नई थी क्योंकि मैं गुजरात में सिर्फ वैकेशन टाइम पे जाता था और उस वैकेशन में वो रहते हैं तुम घूमते फिरते ऐसे निकल जाता है। तो भाई फिर मेरे भी थोड़ा थोड़ा हुआ कि चल हम भी घूम आएंगे, और कृणाल ये गया ही था उस टाइम पे लंदन, कुछ पांच छह महीने की बात हुई थी, इसका घूमता था मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था ही। और लंदन यार कौन नहीं जाना चाहेगा, हर इंसान की जुबान पे एक वही वर्ड रहता है कि लंदन घूम के आना है, तो जब मौका मिल रहा है तो कौन छोड़ना यार। और मास्टर्स की मेरी इच्छा थी स्टार्टिंग से ही, चलो कर नहीं भाई यूके से कर लेते हैं, तो मैंने लंदन का चूज किया, ये था ही, और मेरा कोई और कोई दोस्त वगैरह था नहीं जो बाहर रहते हूँ, ये रहता था लंदन में, तो फिर मैंने मास्टर्स अपनी कंप्यूटर साइंस में, आपको पता ही मेरी वीडियोस देखते ही होंगे, नहीं देख रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की एक वीडियो है, मैंने दो वीडियो बनाई हुई है तो आप देखना मेरे उसमें चैनल में आपको मिल जाएंगी। तो मैं आया यहाँ पे, मतलब प्रोसेस कंप्लीट स्टार्ट वगैरह की, फिर जैसे कि अकोमोडेशन का तो मेरा मेन वही आती बात ले दे के भाई सारी प्रोसेस हो गई, रहेंगे कहाँ, रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीज इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई जाएंगे कहाँ और खाएंगे क्या, और वही जॉब जॉब का मान लो ठीक है तीसरा। तो इसने स्टार्टिंग में अरेंज कर दिया भाई क्योंकि लॉकडाउन खुला ही था जस्ट, तो है ना एकदम से मतलब कि फ्लाइट्स वगैरह का प्राइस सब कुछ अब चला गया था, अकोमोडेशन मतलब कि घर वगैरह भी नहीं थे वहां पे, तो फिर भाई मेरी फ्लाइट भी काफी महंगी पड़ी थी उस टाइम पे, तो कृणाल था तो इसने थोड़ा अरेंज वगैरह कर दिया था। पर आज दो तीन साल हो गई उन बात को, कोरोना भी जा चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो आप लोग अपना पहले से पूरा प्लान करके आ सकते हो, आपको फ्रेंडली घर वाला मतलब एक एनवायरमेंट मिले तो आप बुक करके आओ सब कुछ अपना। काफी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे तुम अकोमोडेशन बुक कर सकते हो, जिनमें से एक है एम्बर स्टूडेंट्स, तो एम्बर स्टूडेंट आज के टाइम पे काफी चलता है भाई, काफी अच्छा मतलब यहाँ पे ना देखो ना तुम देखो जाए तो भाई 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने यहाँ से बुक किया है, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है, यूके के अंदर भी जितनी बड़ी बिग सिटीज है ना जितनी भी उन सबके अंदर एम्बर स्टूडेंट्स हैं। बाकी आपको यूके के यूएस कनाडा जहां पे भी जाना बुक कर सकते हो। और दूसरी बात पता है काफी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी, मतलब 24 आवर्स आप मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनके पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो अकोमोडेशन के अंदर ही। और हाँ जैसे कि आप रूम्स की बात करो ना यहाँ पे तो रूम्स मतलब इनके ना मतलब काफी चॉइसेस है, चार से पांच टाइप के इनके पास रूम्स हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको एनसुइट चाहिए, शेयर रूम चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, तो उस हिसाब से आप रूम बुक कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और सबसे बेस्ट मतलब लंदन का ही मान लो ना तो भाई हर जगह पे अवेलेबल है ये, आप जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी के से ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट की वॉक बुरी नहीं होती, 5 से 7 मिनट में तुम अपने यूनिवर्सिटी मतलब अकोमोडेशन से तुम यूनिवर्सिटी जा सकते हो, तुम लेट भी नहीं होगे। तो आप बुक करना, आप मेरे लिंक के थ्रू जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक के थ्रू आप बुक करना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी है, मैं अभी ऊपर दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट में आप देखना, यहाँ पे इसकी रेटिंग भी अच्छी है 4.8 है आउट ऑफ 5 ट्रस्ट पायलट के थ्रू। और काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ मतलब 4000 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ से बुक किया है, तो कुछ बात तो होती है देखो यार। और हम आए थे तब ऐसे ऑप्शन थे नहीं, अगर हम हमारे टाइम पे ऐसे ऑप्शन होते तो हम भी बुक करके आते, और भाई एक वो रहता है ना कि एनवायरनमेंट मिल जाता है, एक तो तुम्हें स्टूडेंट अकोमोडेशन में सब स्टूडेंट्स ही मिलते हैं तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है, फ्रेंड्स भी बन जाते हैं इजली, तुम्हारे खुद की सिटी के भी मिल जाए क्या पता, और तुम्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। पर जैसे कि हम ऐसे आके सडनली मतलब होटल में रुक रहे हो तुम फिर वापस बुक करते हो ना, तो फिर उस टाइम थोड़ा इंसान घबरा सा जाता है यार, और तुम्हें सब कुछ पहले से रेडी है, तुम्हें पता है हाँ यहाँ एयरपोर्ट पे रेंट किया
अपने तुम फ्लाइट बुक करते हो, फ्लाइट वाले तुम्हें कैब भी प्रोवाइड करते हैं, अगर वो नहीं करते तो ट्यूब्स वगैरह चलती हैं, उससे तुम अकोमोडेशन पहुंचो वहां पे। और तुम्हें भाई, और सबसे बड़े सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, जैसे कि तो ये फोब वगैरह रहते हैं तो उससे ही तुम्हारा गेट ओपन होगा, उससे से ही तुम मतलब एंट्री एग्जिट होगी तुम्हारी, और तुम्हारे को से कोई मिलने आ रहा था उसको भी तुम्हें लेने आना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ही आप बुक करना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। एक सोल्यूशन निकल गया, दूसरा सोल्यूशन आता है, मतलब जो प्रॉब्लम आती है काफी लोग बग फेस करते हैं जो स्टूडेंट और डिपेंडेंट है, जॉब्स का यार स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं मिलती। देखो सीधी सी बात है, हम भी यही सोच के आए थे कि मिल जाती है, एंड एंड आओगे, हाँ हमारा ही वेट कर रहा, हाँ भाई आएगा फिर तेरे को नौकरी दिलाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं भाई, ये अपने दिमाग से निकाल दो। मैं भी यही सोच के आया था और शायद ये भी सोच के यही आया होगा, बाकी इससे पूछेंगे अभी इससे क्या फेस किए, क्या प्रॉब्लम्स थी। तो कुणाल, तूने यहाँ पे जॉब स्टार्टिंग में कैसे ढूंढी, मतलब तूने मतलब जॉब तो तूने ढूंढी है, ढूंढ ही लेता है इंसान लास्ट में, मतलब तूने उस टाइम पे क्या भाई स्ट्रगल तूने फेस किया है, क्या क्या तेरे साथ प्रॉब्लम आई, क्यों इतना ये मार्केट इतना टफ है। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले मेन इधर प्रॉब्लम है हमारे लोगों की क्या है, कम्युनिकेशन। तो आपको हो सके उतना अच्छा इंग्लिश में बोलना सीखो, समझना सीखो, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा करना है, फ्री बैठे हो, कुछ काम नहीं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, घर पे आ रहे हो, कुछ काम होता तो है ही नहीं वैसे। उसके बाद असाइनमेंट वगैरह वो भी ठीक है। तो आप सबसे अच्छा है वो आप बैठे बैठे नेटवर्किंग करो। तो नेटवर्किंग क्या रहता है कि आप अपने दोस्तों से मिलो, मतलब कोई भी है उसको कॉन्टेक्ट करो, घर में रह रहे हो उससे बातें करो कि भाई तुम्हारे पास जॉब है, तुम कहाँ पे काम कर रहे हो, तुमने कैसे खुद की जॉब ढूंढी है, तुम्हारे वहां पे वैकेंसी है या नहीं, तेरे दोस्त के वहां वैकेंसी है या नहीं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते मैं मिलता गया, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मेरा कॉलेज का काम खत्म करके मैं निकल जाता था बाहर ढूंढने, मतलब कोई जॉब लाइसेंस हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, हम जाके उनसे मिल के आए कि भाई आपके पास पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, हमको चाहिए, स्टूडेंट है, 20 घंटे ऐसा सब कुछ है, ठीक है। तो वैसे ढूंढते रहो, घूमते रहो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई देगा ही देगा, ठीक है, कि भाई चलो अभी तो नहीं है बट हम आपका रेफरेंस लेके रखते हैं, जैसे नाम नंबर ले लिया अपना, वैसे ही उनके पास वैकेंसी हो गई तो उन्होंने दे दिया। तो ऐसे ही करते 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 मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, जो मैं एक मोबाइल और एसेसरीज की शॉप में जाता था, वैसे ही मेरे को मिली नेटवर्किंग करते करते। मैंने 1-2 महीने उसमें स्ट्रगल किया तब जाके मिली है, और वो भी ज्यादा नहीं, 20 घंटे ही देते थे हम, 20 घंटे हम कॉल आउट है। तो गाइस उसके ज्यादा, उससे ज्यादा करने में आप ट्राई भी मत करना, इलीगल है, फंस जाओगे। सो गाइस वैसे ही मैंने जॉब ढूंढी, तो फिर स्टार्टिंग में तो वो बुलाता ही नहीं था, मेरे से ट्रेनिंग करवाया, ठीक है, फिर तब जाके कुछ सेट हुआ, मैंने अपनी जॉब ढूंढ ली, फिर सही है, फिर मैंने, वैसे तो आप सोच ही सकते हो बाद में हो ही जाता है, नेक्स्ट जॉब स्विच करने के लिए आपको इतना कुछ दिक्कत नहीं रहती, ठीक है, वो तो हो गया, तो वैसे मेरी जॉब हो गई। चलो ये भी बता दो कि आपने जो आपका जो आप फोन एसेसरीज का जो बोर्ड और रेफरेंस के थ्रू आपको जो जॉब मिली थी, तो उसमें आपका पे क्या था स्टार्टिंग में? सो भाई लालची मैं भी हूँ, एक पैसा तो समझ में आया ना इंसान यार, अपना खर्चा निकालना है, उसको पता था कि भाई तुम कितना अर्न कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, तो क्या ज्यादा पे नहीं देते थे मेरे को, जो चल रहा है वो बेसिक पे रेट ही देते थे। तो मैं जब आ रहा था 950 चल रहा था, तो मेरे को वही मिलता था और ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 950 को स्टार्टिंग में मिल रहा था, अब इसको 3 साल हो गए हैं, तो अंदाजा तो भाई बढ़ता तो हर साल है पे, और 3 साल में 3 बार इंक्रीज हुआ है पे तो, और उसके अलावा भी अब तो सीनियर भी पोजीशन पे भी आ गया है, तो थोड़ा पे और बढ़ गया होगा। तो 950 मींस 9 pounds 50 pence पर आर का ये रेट रहता है, और अभी का पे रेट चल रहा है ये कोई 1045 के आसपास है फिलहाल, जो ये 2024 के अंदर, और अप्रैल में वापस इंक्रीज होगा पे, तो वो आपको कोई ना कोई तो बता ही देगा, समथिंग अराउंड गाइस होगा वो 11.44, मतलब 1 pound बढ़ा देंगे, 1 pound बढ़ेगा, और उसके साथ लालची मत होना क्योंकि उसके साथ महंगाई उतनी बढ़ने। तब हम कपिल से पूछेंगे उसकी जर्नी कैसी है अब तक, कैसे जॉब ढूंढी, कितनी स्ट्रगल की तूने, वो भी तो बता। मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे को ना जॉब, मतलब मेरे को ना ऐसा लगा मेरे को जल्दी जॉब मिल गई थी 15 दिन में, पर वो ही रहता है ना यार, एक डोमिनोज में मेरे को स्टार्टिंग में मिली थी, फिर उसका जो मैनेजर था उसने मेरे को 2-3 बार कॉल किया, कपिल आ जा, कोई साउथ इंडियन था, पर वही रहता है ना यार, एक तुम इंडिया में तुमने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं हो और तुम्हें सडनली वो सब काम करना पड़े, तो है ना मेंटली प्रेशर इतना रहता है कि इंसान का मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, तो मैं नहीं गया। फिर मेरे से 15-20 दिन और निकल गए, 1 महीना हो गया, फिर ले देके मुझे कुणाल के रेफरेंस के थ्रू, जहाँ ये स्टार्टिंग, मतलब इसके कोई फ्रेंड जाता था वहाँ पे, तो वहाँ चॉकलेट फैक्ट्री में मैंने स्टार्टिंग की थी, 8.91 के पे पर आर के रेट के हिसाब से स्टार्टिंग की थी मैंने। सो गाइस
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आपको कुछ क्वेरी वगैरह तो वो भी पूछ लेना, और कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो वो भी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भाई कुणाल यहाँ पे आया अपनी जर्नी बताने के लिए, भाई आपका धन्यवाद। और हाँ, भूले ना कि अगर आपको अकोमोडेशन बुक करनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू बुक करना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, टाटा बाय बाय।